हेलो फ्रेंड्स, तो साइनस एक इस तरीके की बीमारी है जिसे पूरे तरीके से निजात पाना अभी तक संभव नहीं माना गया है। मेडिकल साइंस साइनस के दर्द से आपको निजात पूरे तरीके से नहीं दिला सकती है, हालांकि आपको इस दर्द से थोड़ा बहुत राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन इसके लिए भी आपको खुद से ही प्रयास करने पड़ेंगे। साइनस हमारे नाक की हड्डी में होने वाले दर्द की संभावना को ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी इसी दर्द को झेल रहे हैं तो आपको मेरी ये आज की वीडियो देखने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको साइनस का दर्द है तो आपको अपने खाने के अंदर प्याज और लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें साइनस के दर्द को काफी हद तक कम करने में काफी अच्छे साबित हुए हैं। इसीलिए अगर आपको प्याज और लहसुन खाने की आदत है तो इस आदत को हमेशा कंटिन्यू रखिए, ताकि आप अपने दर्द को काफी हद तक कम कर सके। प्याज और लहसुन के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो न केवल साइनस बल्कि आपके जोड़ों के दर्द को और अंदरूनी चोट को ठीक करने के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप लहसुन की कलियों को सरसों के तेल के साथ पकाकर उस तेल से मसाज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफी राहत मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, गाजर के रस का प्रयोग करिए और हो सके तो ध्यान यानी कि मेडिटेशन जरूर करिए। ऐसा करने से आपको साइनस की बीमारी से काफी हद तक राहत मिल सकती है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।